बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नवाज शरीफ गवर्नमेंट 2013 टू 2018। द थर्ड शरीफ मिनिस्ट्री, नवाज शरीफ मिनिस्ट्री, वाज फॉर्मड ऑन 5 जून 2013 इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। चीफ नवाज शरीफ बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द थर्ड टाइम। इनकी 2013 के इलेक्शन में जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये दोनों पार्टीज थी मेन पाकिस्तान की, और पीटीआई तीसरी पार्टी थी। लेकिन इस जो है इलेक्शन में 2013 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सीट जीत ली और जो है नवाज शरीफ पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म बने। शरीफ सक्सेसफुली लेट्स द राइट ऑफ सेंटर एंड कंजर्वेटिव पीएमएल नून टू अक्वायर द सिंपल मेजोरिटी इन द 2013 इलेक्शन अगेंस्ट द लेफ्टिस्ट पाकिस्तान पीपल पार्टी एंड द सेंट्रलिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई के अगेंस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है सीटें जीत गई 2013 के। लेकिन नवाज शरीफ डिसक्वालिफिकेशन, नवाज शरीफ जो है 2017 में डिसक्वालीफाई हुए और उसकी कैबिनेट जो है द कैबिनेट वॉज ऑटोमेटिकली डिसॉल्वड ऑन 28 जुलाई 2017 आफ्टर नवाज शरीफ वॉज डिसक्वालिफाइड and removed from the office of the prime minister when the supreme court declared him guilty of not being trustful and honest. Nawaz Sharif July 2017 mein jo wo disqualify ho gaye supreme court ke verdict ke baad jab unhe honest aur jo hai trustful nahi raha pakistan ki constitution ke mutabik unhone apni jitne offshore company hai aur panama case ke hawale se unhone jhoot bola to is tarah Nawaz Sharif jo hai disqualify hue 2017 mein. शाहिद खाकान अब्बासी इज प्राइम मिनिस्टर। नवाज शरीफ रिजाइंड इज प्राइम मिनिस्टर ऑन 29 जुलाई 2017 एंड ऑन 1 अगस्त 2017 अब्बासी शाहिद कावाल अब्बासी वाज इलेक्टेड इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बाय नेशनल असेंबली डिफीटिंग हिज राइवल नवीद कमर ऑफ द पीपीपी बाय 221 वोट्स टू 47। यानी कि नवाज शरीफ के इस्तीफे के बाद जो है 1 अगस्त 2017 को शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के। वो मुस्लिम लीग नून के ही रिप्रेजेंटेटिव थे और उनके अगेंस्ट जो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए जो हिस्सा लिया था नवीद कमर ने पीपीपी के, उन्होंने सिर्फ 27 वोट हासिल की जबकि शाहिद खाकान अब्बासी ने 221 वोट लेकर जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। जमीयत उलमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सपोर्टेड हिज सिलेक्शन। इनकी इन दोनों पार्टीज ने पीएमएल नून का साथ दिया। 12th President of Pakistan, Mamnoon Hussain, wo bane. He is a relatively lesser known figure described as loyal to Nawaz Sharif and was elected as President of Pakistan as the official nominee of PML Noon in the July 2013 presidential election. 2013 ke presidential election mein Mamnoon Hussain jo wo president bane, wo PML Noon ke jo hai less known figure the, inki jaane pehchaane figure nahi the lekin उनको नवाज शरीफ की हिमायत हासिल थी। ममनून हुसैन सिक्योर्ड फॉर 32 वोट्स एंड हिज ओनली राइवल वजीउद्दीन अहमद रिसीव्ड 77। इनकी ममनून हुसैन को 432 सीटें मिली जबकि उसके अगेंस्ट 77 हासिल की उनके राइवल जो है मुखालिफ वजीउद्दीन अहमद ने। He was sworn in on 9 September 2013 in a ceremony held at Ewan सदर और फाइनली उन्होंने 9 सितंबर 2013 को बाकायदा सदर का ओहदा संभाल लिया ऐवाने सदर में। गवर्नमेंट फॉर्मेशन, अब गवर्नमेंट फॉलोइंग द 2013 इलेक्शन द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वेन प्लुरलिटी ऑफ सीट इन द नेशनल असेंबली थ्रू सिंपल मेजोरिटी आफ्टर फेलिंग टू सिक्योर एन ओवरऑल 2/3 मेजोरिटी In order to form government, the PML Noon joined in coalition with the Pakistan Muslim League Noon, PMLF and the National People Party. Pakistan Muslim League Noon 2003 के इलेक्शन में जीत गई लेकिन उन्हें जो है इतनी सिंपल मेजोरिटी नहीं मिली कि वो ओवरऑल अपनी सिर्फ जमात की जो है हुकूमत बना सके, लिहाजा उनके लिए मखलूत हुकूमत बनाने के लिए कोलिएशन पार्टनर की जरूरत थी। लिहाजा मुस्लिम लीग फे और पीएमएल फे और नेशनल पीपल पार्टी एनपीपी के साथ उन्होंने ज्वाइन किया और इन दोनों के साथ मिलकर जो है गवर्नमेंट बनाई। मेजर इनिशिएटिव्स इन एक्शन नवाज शरीफ के दौर में, इसमें फॉरेन पॉलिसी एक्शन
जिसमें रिस्पॉन्डिंग टू द 2014 जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट अटैक इसका जवाब दिया नून की गवर्नमेंट ने, लॉन्चिंग द ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब इन ऑपरेशन। ज़र्ब अज़ब जो है वो लॉन्च किया, एंड इन्फोर्समेंट एंड इनिशिएशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान अगेंस्ट द टेररिस्ट। नेशनल एक्शन प्लान बाकायदा बनाया टेररिस्ट के खिलाफ, इनिशिएटेड पॉलिसीज टू प्रोवाइड कमिटमेंट टू वर्क विद प्रेसिडेंट अशरफ गनी ऑन स्टेबलाइजिंग अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की। रिन्यूड कमिटमेंट टूवर्ड्स कम्प्लीटिंग द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन इज पार्ट ऑफ द एनर्जी सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर की और ईरान गैस पाइपलाइन को दोबारा कम्प्लीट करने के लेजिस्लेशन की इस्टेब्लिश नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट बनाया। इनिशिएटेड द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी बड़ी अहमियत है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये नवाज शरीफ के दौर में ये 46 बिलियन जो है डॉलर प्रोजेक्ट पर दस्तखत की, जिसके जरिए जो है पाकिस्तान की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम गवादर पोर्ट और जितने पाकिस्तान के फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए हल होगा, जिसके जरिए पाकिस्तान की चाइना भरपूर मदद करेंगे। लेकिन अभी उसकी तादाद जो है 65 बिलियन डॉलर तक कर दिए, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है नवाज शरीफ के दौर में। इकनॉमिक पॉलिसी एक्शन में प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस अपनाया, उसके अलावा पाकिस्तान विजन 25 लॉन्च किया और लेजिस्लेशन टू इम्प्रूव टैक्सेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कानून साजी की। डोमेस्टिक पॉलिसी एक्शन में एजुकेशन के लिए रिलीज फंड फॉर हायर एजुकेशन कमीशन टू फोकस ऑन हायर एजुकेशन रिसर्च, इनके हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादा फंड्स रखें ताकि रिसर्च की तरफ जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाए। सोशल पॉलिसी में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम बनाया, जिसके तहत नौजवानों को रोजगार के लिए जो है उन्हें लोन दिया गया। इंक्रीज द स्कोप ऑफ बेनजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की आते को मजीद बढ़ाया। इसके अलावा एक्सटेंडेड ऑपरेशन मदद इन रिस्पॉन्डिंग टू 2014 पाकिस्तान फ्लड और 2014 में आने वाले सैलाब के लिए जो ऑपरेशन मदद कायम की गई, जिसके जरिए सैलाब अजदगान की भरपूर माली इमदाद की। नेशनल सिक्योरिटी एक्शन में रिकन्स्ट्रक्ट द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल टू मेंटेन बैलेंस इन सिविल मिलिट्री रिलेशन, इनकी फौज और सिविल के दरमियान ताल्लुक बेहतर करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया। अपॉइंटेड सरताज अजीज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनको बनाया। कंटिन्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम 2015 एज पार्ट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, इनकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो है न्यूक्लियर पावर को मजीद बढ़ाने का जो है इरादा किया। इस्टेब्लिशिंग मिलिट्री कोर्ट कमीशन फॉर द टेरर सस्पेक्ट, इनकी टेररिस्ट को जो है सजा देने के लिए मिलिट्री कोर्ट कायम की गई। बाकायदा प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस नंबर 2014 एस्टेब्लिशिंग द नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन में 21st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये 21वीं आईनी तरमीम लाई गई। द अमेंडमेंट एस्टेब्लिश स्पीडी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट फॉर टेररिस्ट ऑफेंसेस वेगिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान एंड एक्ट थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। The duration of these court is 2 years. The decision is to amend the constitution came after the 2014 Peshawar school massacre. यानि कि किसी आईनी आईनी तरमीम के जरिए टेररिस्ट के लिए बाकायदा अलग कोर्ट बनाया गया ताकि वहाँ पे जल्दी से जो है इनका ट्रायल हो सके और उनको सजा दी जा सके। ये जो कोर्ट स्पेशली 2014 में पेशावर स्कूल हमले के बाद जो है ये कोर्ट बनाने की फैसला किया गया और आईनी तरमीम इसमें लाई गई। प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इकानमी, लेकिन क्या नवाज शरीफ के दौर में क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ा, क्या क्या मसाइल पेश आई इस हुकूमत को। स्ट्रक्चरल पाकिस्तान इकानमी जो है उसको सही से नहीं देखा गया। करंट जो अकाउंट डेफिसिट है उसकी तादाद जो वो बढ़ गई, एक्सपोर्ट पाकिस्तान की कम हो गई और इम्पोर्ट जो है बाहर से जो इम्पोर्ट चीज़ें उनकी जो अमाउंट है वो बढ़ गई, जिसकी वजह से फॉरन एक्सचेंज रिजर्व जो है पाकिस्तान की बुरी तरह जो है सफर हो गई, जिसकी वजह से इंक्रीज डेफिसिट स्पेंडिंग रिजल्ट की वजह से जो है बजट में बहुत ज़्यादा खसारा हुआ और बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़ा। बजट डेफिसिट एंड डेट सर्विस कॉस्ट क्लाइम, बजट जो पब्लिक डेप्ट है जो समाजी जो कर्ज उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके अलावा स्कूल और लिटरेसी जो है खानगी करोड़ है वो भी बिल्कुल फ्लैट रहा, बिल्कुल इनके 5 सालों में कोई तब्दीली नहीं आई। खानगी की रेट हमें ज़रा भी जो है कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई।
पाकिस्तान कंटिन्यू टू रैंक लो ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इंसानी तरक्की के इंडेक्स में पाकिस्तान लो लेवल पे रहा, और उसकी सब डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो पहले जो है 2013-14 में जो है 25 बिलियन थी, जो टू अबाउट 20 बिलियन थी, लेकिन 2016 और 17 में जो है इतनी जो है इनकी पाकिस्तान एक्सपोर्ट है प्लम्प्टेड फ्रॉम अबाउट 25 मिलियन इन 2013-14 में, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट बिलियन जो रुपीस थी वो 25 बिलियन थी, वो बढ़कर जो 20 बिलियन तक पहुंच गई 2016-17 में। एक्सपोर्ट इन फर्स्ट 9 मंथ ऑफ करंट फिस्कल ईयर 2017-18 हैव बीन रिकॉर्डेड एट 17 बिलियन, जो करंट जो डेफिसिट फिस्कल ईयर मालियाती साल वो 17 बिलियन रहा, और इस तरह ट्रेड में भी इनके कारोबार में बहुत ज्यादा नुकसान है, जिसकी वजह से इस डेफिसिट इस कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने कर्जे लेना शुरू किया इंटरनेशनल डेट मार्केट से कमर्शियल रेट पर। द कंट्री नाउ फेस द प्रॉस्पेक्ट ऑफ गोइंग बैक टू इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड फॉर येट अनदर बेलआउट, और दोबारा बेलआउट लेने के लिए IMF के पास दोबारा गए ताकि कर्ज के लिए मजीद टाइम मिल जाए उनकी को दोबारा पे ऑफ करने के लिए। पाकिस्तान नेट प्राइमरी एनरोलमेंट इज स्टक अबाउट 57%, वाइल लिटरेसी रेट इज फ्लैट एट अबाउट 60%, इनकी 57% प्राइमरी इनरोलमेंट जो स्टूडेंट की वही रही, और इसके अलावा लिटरेसी रेट भी उस दौरान 60% ही रही, लेकिन इसके बावजूद जो है उसके गवर्नमेंट ने जो है काफी हद तक अखराज कर ली थी एजुकेशन पे एज ऑन डिफेंस पे। पाकिस्तान पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इज मोर देन डबल 2010 टू रीच 8.6 बिलियन ईयर इन 2017, रिवाइलिंग डिफेंस स्पेंडिंग ऑफ 8.7 बिलियन, इनकी एजुकेशन और तालीम पर बहुत ज़्यादा खर्चा करने एजुकेशन तालीम और डिफेंस पर बहुत ज़्यादा अखराज इनकी की इस पर जो है बजट रखा गया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई खास तब्दीली नहीं आई। प्राइवेट स्पेंडिंग एजुकेशन पर भाई उनकी पेरेंट्स की वो बहुत ज़्यादा थी गवर्नमेंट से ज़्यादा, और उसकी तादाद जो 6% थी with the total adding up to nearly 6% of GDP. Pakistan has 1.7 billion teachers, nearly 3 times the number of soldiers currently serving in the countries. Unfortunately, the education outcome do not yet reflect the big increase in spending. Itne zyada teachers, itne zyada Pakistan ke hone ke bawajood bhi education behtar nahi ho sake. The last 5 years of Pakistan outgoing government of the Pakistan Muslim League NEEN has been the revival of Pakistan economy and completion of many long delayed infrastructure and energy projects. मिस्टर नवाज शरीफ डिजर्व फुल क्रेडिट फॉर इन्हें की बहुत से जो है एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, जिसके क्रेडिट जो है नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन उसके साथ साथ एट द सेम टाइम भी ML गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो प्रोग्रेस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, लेकिन इंसानी तरक्की बहुत कम देखने में आई। कुछ अचीवमेंट के साथ साथ मेजर डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट की एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा कमी हुई, ग्रोइंग ट्विन डेफिसिट ऑफ बजट की बजट में जो है खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक्सटर्नल अकाउंट्स भी हमारी बढ़ गई, माउंटिंग पब्लिक डेट एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल मैटर, जो समाजी कर्जा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन ट्रांसपेरेंसी शिफाफियत मालियाती मामला में बहुत ही कम देखने में मिला। इट इज द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी डेट हैज बीन ब्रॉट इन शार्प फोकस विद द रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बाय द नेशनल सुप्रीम कोर्ट इन द आफ्टरमैथ ऑफ पनामा पेपर, यही वजह है कि शिफाफियत की कमी की वजह से जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को निकाला गया पनामा पेपर के हवाले से। द लीक ऑफ दिस पेपर रिवील्ड हिज फैमिलीज ऑनरशिप ऑफ अनडिक्लेयर्ड एंड अनएक्सप्लेन सब्सटेंशियल एसेट्स अब्रॉड, और इस पनामा पेपर में जो बाकायदा फिर इस नवाज शरीफ की फैमिली की अनडिक्लेयर्ड और अनएक्सप्लेन की, जिसका पहले उसने कभी नॉमिनेशन पेपर जमा करते वक्त जिक्र नहीं किया था, और बहुत ज़्यादा जो है बैरूनी मुल्क ऑफशोर्स उनकी कंपनीज थी जिसका नवाज शरीफ ने जो खुफिया रखा, जिनके मामलात का, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को निकाल दिया।